अब मैं आपको क्या जो समझा रहा हूँ, मैनोमेट्रिक हेड और एक्चुअल हेड और थियोरेटिकल हेड क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पंप है, ये आपका डिस्चार्ज हेड है, ठीक है, और ये आपका सक्शन है, ये आपका आई ऑफ इंपेलर है। यहाँ से एक अपन सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं, ये आपका आई ऑफ इंपेलर है। अब मैं इसे बोल रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को एच एस, ठीक है, ये आपका वाटर लेवल है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका है एच डी, क्लियर है, एच एस और एच डी। अब एच एस और एच डी जो है, ये अगर मैं बात करूं मैनोमेट्रिक हेड की, इसके अंदर आ जाएगा एच एस प्लस एच डी प्लस इस, मैंने पहला डेफिनेशन क्या बोला कि मैनोमेट्रिक हेड वह हेड होता है जिसमें कि पंप को जितने हेड को पार करना रहता है, जितने हेड कैपेसिटी से अबव जाकर के काम करना पड़ता है, जैसे कि एच एस प्लस एच डी प्लस आपका फ्रिक्शन के कारण हो रहा लॉस भी होगा। तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन, अगर सक्शन हेड की बात करें तो सक्शन हेड में भी लगेगा, तो मैं इसे दिखा रहा हूँ एच एफ एस, मतलब फ्रिक्शन ऑन सेक्शन साइड प्लस, ऐसा ही सेम फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपर पोर्शन में भी लगेगा, तो मैं इसे बोलूँगा एच एफ डी, ठीक है, प्लस इसके साथ ही देखिए पहली बात तो इसकी ये हेड हो गया प्लस सक्शन हेड और आपका डिलीवरी हेड, कितने हेड को ओवरकम करना है, प्लस फ्रिक्शन लॉसेस जो कि सक्शन और डिलीवरी हेड में हो रहा है, प्लस एक जो हम इसके साथ ही हेड प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन टू जी, इस हेड को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पंप के द्वारा जो हेड मिल रहा है, पंप के द्वारा जो मोटर घूमने से जो हेड मिल रहा है उसको, तो ये सारा का सारा आपका कहलाता है, सॉरी ये सारा का सारा आपका कहलाता है मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। और एक्चुअल देखिए थियोरेटिकल हेड, मतलब थियोरेटिकल हेड का मतलब होता है कि जो आपने थियोरेटिकल हेड बनाया है, मतलब कि जो सोचा है, एक्चुअल में अभी उसे जमीन पर उतारा नहीं गया है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा जो आपने एक हेड निकाला है उसे हम कहते हैं थियोरेटिकल हेड, पेन कॉपी में, जिसे हम एक्चुअल नहीं कह सकते। और एक्चुअल हेड कि जब आपने पंप लगा दिया उसके बाद उसका क्या हेड का कैपेसिटी है, वर्क कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक पंप है, पंप को आपने बैठा दिया तो उसमें कई सारे, सबसे पहले तो आपके फ्रिक्शन लॉस हो गया प्लस शॉक, टॉक के कारण अचानक जैसे क्या होता है, पंप को आपने चलाया और उसे लेफ्ट या राइट कहीं भी टर्न किया तो शॉक एनर्जी एक होगा ना, यहाँ पर शॉक लॉस होगा वाटर के एनर्जी में, अचानक से मोड़ा, सीधे सीधे तो पंप हम बैठाते नहीं, तो शॉक लॉस भी होगा, फिर फ्रिक्शन लॉस भी है। तो हम इन दोनों को जब मिला लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्या समझ में आती हैं, ये चीज़ें आपको ये समझ में आएंगी कि हमको थियोरेटिकल हेड क्या होता है, जो हम ऑन पेपर निकालते हैं, थियोरेटिकल हेड मतलब ऑन पेपर निकालते हैं, प्रैक्टिकली इसका कोई भी महत्व नहीं होता। लेकिन एक्चुअल हेड मतलब आप ये समझ जाइए कि जब भी थियोरेटिकल और एक्चुअल हेड बात आ जाए तो एक्चुअल हेड मतलब प्रैक्टिकली निकाला गया है, प्रैक्टिकली निकाला गया है, ठीक है, और थियोरेटिकल मतलब ऑन पेपर निकाला गया है, ठीक है, और मैनोमेट्रिक हेड मतलब टोटल हेड जिस जिसको ओवरकम करना है। तो इसका एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल डिलीवरी, टोटल एनर्जी इन किलो न्यूटन पर लीटर, टोटल
एनर्जी किलो न्यूटन ऑन डिलीवर ऑन आउटपुट माइनस टोटल एनर्जी ऑन किलो न्यूटन इनपुट, मतलब सक्शन की तरफ से जो इनपुट हो रहा है टोटल एनर्जी माइनस डिलीवरी की तरफ जो आउटपुट हो रहा है, सॉरी टोटल एनर्जी जो आउटपुट हो रहा है माइनस टोटल एनर्जी जो सक्शन हेड में इनपुट हो रहा है, तो मैनोमेट्रिक हेड का ये दूसरा डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, पहला कि टोटल हेड जिसे ओवरकम किया जाएगा उसे मैनोमेट्रिक हेड कहा जाता है। तो मैनोमेट्रिक हेड में कौन कौन सा आ गया? आपका हेड ड्यू टू सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, फिर इसके बाद फ्रिक्शन लॉसेस के कारण जो हेड में अपना हेड वो वाला हेड, प्लस आपका डिलीवरी हेड, ये दोनों को मिला के चाहे आप डायरेक्ट फ्रिक्शन हेड टोटल पंप का निकाल लिए तो भी चलेगा। तो एच एफ लिख दीजिए डायरेक्ट अगर लिखना है तो, बाकी सक्शन हेड साइड का फ्रिक्शन लॉस, हेड कैपेसिटी। अब देखिए अगर यहाँ पास फ्रिक्शन लॉस नहीं होता तो जहाँ पास हमारा पाँच, अगर मान लीजिए कि 100 मीटर 50 मीटर का हेड है तो हमारा साइड तक वह क्या होता, सक्शन हेड में मान लीजिए 5 मीटर का है ये, ठीक है, तो डिलीवरी हेड क्योंकि लंबा जाता है तो डिलीवरी हेड का 15 मान लीजिए 10 मीटर का है, तो 10 प्लस 5 आपका क्या हो गया, टोटल हो गया 15 मीटर। तो मतलब ये 15 मीटर का लॉस, मतलब एक्चुअल हेड कहाँ चला गया, 50 माइनस कर दिए 15, 35 मीटर, ये आपका क्या हो गया, 35 मीटर आपका हो गया एक्चुअल हेड, ठीक है। और थियोरिटिकल आपने कितना सोचा था, 50 मीटर का सोचा था, कितना, 50 मीटर का। और जब इस 50 मीटर में आपने टोटल, जब इस 50 मीटर में आपने टोटल हेड में कितना पंप का जो एनर्जी, जो पंप के द्वारा काइनेटिक एनर्जी आपने दे रहे हैं उसको भी जब हम ऐड कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड, तब हम उसे कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। चलिए अब इसमें कुछ फॉर्मूला है जो कि मैं आपको एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। देखिए थ्योरेटिकल हेड पर स्टेज फॉर्मूला है एच पी HT दिखाया जाता है ना, थियोरिटिकल हेड को HT से दिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है, ठीक है, जिसमें वी क्या है, वी क्या है, वी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्पीड, ब्लेड की स्पीड है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। और इसमें वी जैसे कि क्या होता है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसा है आपका, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसा है, सर्कुलर मूवमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई डी एन, क्या बोल सकते हैं हम, पाई डी एन, समझ में आ गया ये। अब इसे पाई डी एन, डी क्या है, अगर आपको मैंने मेरे जो स्टार्टिंग क्लास आपने सुनी सुनी होगी तो पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, सर्कल का एरिया, तो वैसे ही पाई डी एन वेलोसिटी जो आपकी पूरी बताई गई है, तो आपका जब सर्कुलर मोमेंट है तो डी क्या है इसमें, डी इज द, चलिए लिख ही देता हूँ मैं, इसको लिखते चलिएगा, डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर ऑफ इम्पेलर,
नोट्स में चीजें लिखी हुई हैं, फिर भी आप लिखे चलिएगा। जी क्या है? एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका रहता है। अब क्या है एन? क्या है एन? इंपेलर का रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन ऑफ इंपेलर, रिवॉल्यूशन ऑफ इंपेलर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना राउंड इंपेलर घूमता है, इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ इंपेलर पर सेकेंड। वी क्या हो गया आपका? वेलोसिटी हो गया। वी बराबर क्या हो गया? पाई डी एन, जिसमें कि आपका डायमीटर और एन अगर दिया हुआ है तो आप थियोरिटिकल हेड निकाल सकते हैं। अब अगर आपको थियोरिटिकल हेड पता चल गया है, ठीक है, तो आप मैनोमेट्रिक हेड कैसे निकालेंगे? मैनोमेट्रिक सॉरी अगर आपको थियोरिटिकल हेड पता है, अब आपको एक्चुअल हेड निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल हेड को हम कैसे दिखाते हैं? एच ए एक रिलेशन बता रहा हूँ, एच ए बराबर थियोरिटिकल हेड एच टी मल्टीप्लाई बाई मैनोमेट्रिक कोफिशियंट, मैनोमेट्रिक कोफिशियंट, ठीक है। अब एच ए बराबर एच टी थियोरिटिकल हेड मल्टीप्लाई बाई मैनोमेट्रिक कोफिशियंट, मतलब इसको मैं के से दिखाता हूँ। अब के की जो वैल्यू है वह अलग अलग पंप के लिए अलग अलग मतलब अलग अलग डिजाइन ऑफ पंप के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जनरली जो के की वैल्यू है 0.62 0.75 इसी के बीच में होती है, ठीक है, 0.6 एंड 0.5 के बीच में, ठीक है। और जनरली हम इसे क्या लेके चलते हैं? 0.6 लेके चलते हैं के की वैल्यू, लेकिन के आप लेके चलिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका एक्चुअल हेड अगर आपके पास थियोरिटिकल हेड आ गया है, ठीक है, थियोरिटिकल हेड आप कहाँ से निकालेंगे? अगर आपसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि एक्चुअल हेड किसी भी पंप का कितना होगा, ठीक है, तो एक्चुअल हेड डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है कि एक्चुअल हेड को मैंने किसमें दिखाया है? ये आपका एक्चुअल हेड है, ए सी टी यू ए, ये आपका एक्चुअल हेड है। तो मैंने आपको एक्चुअल हेड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? एक्चुअल हेड बराबर थियोरिटिकल हेड मल्टीप्लाई बाई कोफिशियंट मैनोमेट्रिक कोफिशियंट के। के की वैल्यू मैंने कितनी बताई? 0.62 0.75, अलग अलग पंप के अलग अलग, जनरली आप 0.6 लेके चलेंगे। ये आपका हो गया एक्चुअल हेड। अब एक्चुअल हेड निकालने के लिए हमको एस टी निकालना पड़ेगा, थियोरिटिकल हेड। थियोरिटिकल हेड बराबर मैंने क्या बताया है? वी स्क्वायर अपॉन जी। जी क्या है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी स्क्वायर क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को अपन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया? पाई टी एन का होल स्क्वायर बाई 9.88 सेकेंड, 9 की वैल्यू, ठीक है। अब आप भी कितनी होती है? पाई की 3.14, ठीक है। क्या है? ये आपका डायमीटर है जो कि कांस्टेंट है, जो कि डायमीटर की कांस्टेंट है। एंड स्पीड, मतलब कहाँ से अपने को एक चीज निकल के आया कि अगर एच थ्री थियोरिटिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। यहाँ समझ आया कि आपका जो थियोरिटिकल हेड है, हेड अगर मैं बोला जाए सेंट्रीफ्यूगल करंट में, तो ये एन का स्क्वायर है। ये एक चीज समझ में आया स्पीड का। इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब
द प्रेशर डेवलप्ड बाय ईच इंपेलर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, मतलब हेड, हेड का मतलब क्या हुआ, हेड एक प्रकार से प्रेशर ही तो है। तो आप आपने जैसे जैसे ये हेड है ज्यादा ना ज्यादा इंपेलर बढ़ाएंगे, डेवलप बाय इंच इंपेलर, जो इंपेलर इंपेलर के द्वारा डेवलप हो रहा है वह स्पीड स्क्वायर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक पहला फॉर्म को क्या हमको एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब इसी में पावर पावर निकालो, ये तो हेड था, हेड मतलब प्रेशर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी में पावर निकालूं तो पावर का पावर क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्यूब। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्यूब। हेड मतलब प्रेशर, जितना प्रेशर आप डेवलप कर रहे हैं वह के आपके इंपेलर के स्पीड का दोगुना है। जब आपका इंपेलर का स्पीड दोगुना हो जाएगा तब जाके आपका जो प्रेशर है वह क्या होगा, क्या होगा 1%। मान लीजिए आपका आवाज हो रहा को हो रहा है, नजर नहीं कर रहे हैं, आपका आवाज इको हो रहा है। मजहर जी, अच्छा हाँ, हेलो जी, जस्ट सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी अभी कैसा आवाज मजहर जी, अभी आवाज ठीक है मजा जी, चलिए अभी ठीक आ रही है आवाज, एक्चुअली मेरे ही मोबाइल में लग रहा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज जो मैंने बताई वो सही है, समझ में आई कि नहीं, पहले आइए पहले ये चीजें आपने लिख ली हैं, जो जी समझाई हैं, तब हम चलते हैं दूसरी की तरफ। ठीक है, इसमें किसी कुछ डाउट है तो पूछ, इस पंप में पावर ये हो गया और एक हो गया, साथ ही के साथ ही मैं एक चीज और लिखवा दूं सेंट्रीफ्यूगल करने के बारे में। मजहर जी कोई डाउट है तो पूछ के। अब इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये तीन फॉर्मूले हैं, मैंने अभी आपको समझाया है, तीनों में कुछ डाउट है। ST is directly proportional to n square. अच्छा ये नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, ऐसे रहने देते हैं।
देखिए मैं दोबारा से एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। इसमें क्या बताया मैंने, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि एच थ्योरेटिकल बराबर बराबर किस भी जी भी क्या है, वेलोसिटी है किसकी, इंपेलर, इंपेलर वेलोसिटी ऑफ इंपेलर, ठीक है। अब ये वेलोसिटी बराबर मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी सेंटर का कैसा रोटेशन, आपका जो इस वेलोसिटी है वह कैसा रोटेशन है, वह सर्कुलर सर्कुलर रोटेशन है। तो पाई डी एन ये फॉर्मूला होता है, पाई डी मतलब कि एक्सिस के लॉन्ग कितनी बार वह रोटेट कर रहा है, इसी को तो वेलोसिटी है। तो पाई डी क्या होगा आपका, मैंने आपको बोला था 2 पाई आर, आपका ये क्या होता है सर्कमफ्रेंस, मैंने सर्कमफ्रेंस का सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को जब 2 आर बराबर क्या होता है 2 आर, तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पाई डी। कितनी बार रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक सेंटर के अलोंग ये कितनी बार रोटेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है। देखिए वेलोसिटी अगर आपको लीनियर मोशन, देखिए लीनियर होता है, लीनियर मतलब सीधा सीधा चलने वाला आदमी होता, एक लाइन पे चलने वाला, तो वेलोसिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते रहे, ठीक है। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम ये कब वैलिड कर, ये वैल्यू आप जब आपका जो मूवमेंट है वह लीनियर मोशन हो रहा हो, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होगा तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस मतलब मैं एक लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल जो ये जो ऊपरी भाग है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते, ठीक है, ये सर्कल का ये आधा वाला भाग नहीं, सिर्फ बाहरी भाग, सिर्फ मैं नीले वाले दूसरा ले रहा हूँ, ये लाल वाला, ठीक है, ये वाला जो आउटर पोर्शन है ना इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, किसी भी चीज का बाहरी भाग को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका जो सर्कमफ्रेंस का जो अपने को अल्लाह हूं तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में फॉर्मूला 2 आई आर, तो डायमीटर बराबर क्या होता है रेडियस का डबल, 2 आर होता है ना डायमीटर बराबर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया पाई डी। अब जो जो कि रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है, तो हमको इसको नंबर ऑफ रोटेशन एक पॉइंट में कितनी बार रोटेट कर रहा है, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया एन। तो ये हमारे पास आ गया रोटेट मूवमेंट मूवमेंट का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वी स्क्वायर की जगह लिख दिया पाई का होल स्क्वायर वाई जी, ठीक है। इसमें जी क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, ठीक है। डी डायमीटर ऑफ इम्पेलर क्या होता है, कांस्टेंट डायमीटर ऑफ इम्पेलर किसी भी पंप में, मान लीजिए कि कोई एक पंप है तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अपने पास सारा कांस्टेंट वैल्यू बच हो गया, बाकी सिर्फ बचा मतलब कि पाई डी बाई जी, ये भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। कि इसमें कि को हमको एच डी थ्योरेटिकल कितना मिल गया, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी इससे क्या पता चलता है कि कितना ज्यादा हेड किसे बोलते हैं, अब ये आते हैं थ्योरेटिकल हेड, मतलब हेड ये हेड हो गया थ्योरेटिकल हेड, ये हेड, तो हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन
हेड हम किसे बोल रहे हैं? इतने देर से हेड 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 चिल्ला में पंप में, वो क्या होता है? दो पॉइंट के पर सर डिफिट, उसको ही तो हेड कहते हैं। दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को तो हेड कहा जा रहा है, और क्या होता है? आग पॉइंट के बीच में प्रेशर नहीं होगा तो क्या पानी यहां से बह करके ऊपर की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। कोई भी लिक्विड चाहे वो गैस हो, अगर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो हेड क्या होगा? हेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, हेड बराबर जीरो मतलब प्रेशर बराबर जीरो। हमको क्या समझ में आया? अगर मैं हेड दूं, हेड इज डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू स्पीड। एन क्या है? स्पीड। एन क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन मतलब स्पीड है। मतलब जब इंपेलर जब आपने इंपेलर का स्पीड दोगुना हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने प्रेशर जो है, प्रेशर तो आप बढ़ा नहीं सकते, आप क्या बढ़ा सकते हैं? स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास ऐसी वैल्यू है कि अगर आपसे पूछा जाए, सेकंड क्लास में आया हुआ सवाल है कि जो हेड जो है किसी भी पंप का या प्रेशर जो है पंप का वह 2 है। ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा? क्या होगा? तो आपको क्या करना है, का डबल कर दीजिए, सॉरी, अगर आपके पास मैं बोलूं कि एन जो है 2 रिवॉल्यूशन, इसका जो ये है आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जो इंपेलर का आपका स्पीड है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का है, तो आपका हेड कितना होगा या फिर प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर ये होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब प्रेशर हो गया 4 हो गया, दो गुना से। ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो, पंप का कैरेक्टरिस्टिक विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड। ठीक है, अब इसी में मैं बोल रहा हूं कि जब पावर निकालना हो, ठीक है, पावर, एक पावर होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर के लिए मैंने आप एक डायरेक्ट ये बता रहा हूं कि आप जब पावर निकालेंगे, इतनी पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एन क्यूब, स्पीड का क्यूब। इसका भी मैं कर्व बना के दिखा रहा हूं तुमको। जब पावर इज डायरेक्शनल टू प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक है, इसे कैसे डिलीवर होगा मैं भी बताऊंगा। पहले आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन भी आपको कल दिखा देता हूँ कि जब पंप का पावर निकाला जाता है तो उसमें, वैसे देखिए, अगर आपके पास ठीक है, अगर आपके पास प्रेशर है तो आप पावर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक रो मिशन को मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और पावर इज डायरेक्ट। अगर मैं इसी में बोलूं कि आपका जो रिवॉल्यूशन पर सेकंड है वह 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है स्पीड, तो पावर कितना हो जाएगा? 2 का कितना हो गया? 4 8, पावर कितना हो गया? 8। ठीक है, अब आते हैं क्वांटिटी डिलीवर पर सेकंड। तो देखिए क्वांटिटी वाला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है? क्वांटिटी बराबर, एक ये चीज पर पढ़े ना, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये आपके पास यहाँ का एरिया, ये जो है क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी ए वी, और यहाँ का जो ए वी होगा वो क्या होगा? होगा आपने, अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो गई। आपने क्या बोला? ए वी बराबर कांस्टेंट। आपने यहाँ पे क्या, पंप में क्या किया? एरिया बढ़ाया तो वेलोसिटी, एरिया बढ़ाया तो वेलोसिटी कम
कम हो जाएगी, और जब आगे जा करके आपने एरिया कम कर दिया, अपने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, सॉरी एरिया कम कर दिया, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप देखे होंगे अपने घर कि अगर मान लीजिए कि मैं मीटर पर स्क्वायर के एक्सीलरेशन पंप में भेज रहा हूँ, तो अगर आपका जहां जहां पास एरिया बड़ा होगा वहां पास आपकी वेलोसिटी डाउन चली जाएगी, जहां जहां एरिया छोटा होगा वहां वहां वेलोसिटी अप चले जाएगी जाएगी जाएगी। ये नॉर्मली हम साथ रहे तो क्वांटिटी होता है, क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बराबर क्या बोला मैंने, पाई डी एन। ऑन विच केस, ऑन रोटेशनल मूवमेंट केस, और किसी भी केस में नहीं, जब भी रोटेशन मूवमेंट होगा तब के केस में। तो वेलोसिटी को हम कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये नॉर्मल हम फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन ड्यू टू रोटेशनल मूवमेंट, ये रोटेशनल मूवमेंट का है फॉर्मूला, ये मोशन मोशन का है, ठीक है, मोशन और मोशन और लीनियर मोशन, लीनियर मोशन इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय पाई डी एन, तो आपका ये सारा का सारा एरिया हो गया, पाई डी एन हो गया, क्या है, कांस्टेंट है, तो टी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये फॉर्मूला आ गया। मतलब कि जैसे जैसे आप इंपेलर का स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इंपेलर का स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिलीवर, मतलब क्वांटिटी पानी जो बाहर निकल रहा पंप में वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इंपेलर का स्पीड मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वांटिटी भी बाहर की ओर फेंकाते चले जाएगा, आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। तो तीन चीज समझ में आ गया आपको, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, एच टी आपका हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, और पावर, ठीक है, एच पी जिसे मैं बोलूंगा, यहाँ एच पी था, एच पी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला, ये तीन चीज है, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसी चीज को मैं अब आपको समझा देता हूँ डायग्राम बना करके। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं, मैंने तीन चीज बताया, अब यहाँ पर टॉपिक डाल लीजिए आप, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मेन कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पंप, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो हम किससे किसके बीच में कर्व बना रहे हैं, सबसे पहला हम कर्व बनाएंगे, देखिए हम तीन फॉर्मूला लिखे हैं, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, हेड, हेड मतलब आप दिमाग में हमेशा रखिए कि प्रेशर डिफरेंस, हेड तभी आएगा जब टू पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस रहेगा। तो हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये सॉरी एन स्क्वायर, और पावर, ब्रेक हॉर्स पावर मतलब किसी पंप को जब चलाया जाएगा तो उसमें पावर प्रोवाइड किया जाएगा, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पेलर स्पीड ऑफ क्यूब। एन क्या है, तो एन इसमें क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक साइड, देखिए स्पीड, ये आपका स्पीड है एक्स, ठीक है, ये वाई आपका क्या हो गया, वाई आपका हो गया आपका डिलीवरी क्वांटिटी क्यू, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया हेड, इसके बाद आपका हो गया पावर, ये तीनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहला क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो इसके लिए मैंने क्या बोल रहा हूँ कि ये एक सीधी लाइन जाएगी, एक सीधी लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब जैसे जैसे आपने इम्पेलर का स्पीड बढ़ाया, यहाँ समझ में आया, जैसे जैसे आपने स्पीड इम्पेलर का बढ़ाया वैसे वैसे क्वांटिटी आउटर डिलीवर हो रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैंने स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्वांटिटी जो है, जो आउटपुट है क्वांटिटी, वो बढ़ रहा है। क्यू मतलब क्या हो गई, क्वांटिटी, क्वांटिटी जो
आउटपुट, मतलब जितना ज्यादा आप इम्पेलर का स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी आउटपुट डिलीवर होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे आप इसको स्पीड को बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। अब दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा प्रेशर डेवलप करेंगे आप तो उतना ज्यादा क्वांटिटी आउटपुट में आएगी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि जितना ज्यादा हेड होगा, जितना ज्यादा आप स्पीड को दो गुना बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आपका हेड बढ़ते चलेगा। तो इसका कैसा डायग्राम बनेगा, ये लाल था इसे हम कर लेते हैं वापस से नीला, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वह बनेगा ऐसे करके, ये पैराबोला, ये क्या बोलते हैं हम, पैराबोला, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसमें आया हुआ सवाल है स्ट्रेट लाइन। अब पावर की बात करते हैं तो पावर जो होता है वह स्पीड का कितना होता है, 3 times। तो इसका जो बनता है इसको बोलते हैं क्यूबिक, और खड़ा हुआ ऐसा, ठीक है। ये सीधा जाएगा सीधा। अब दोनों ही कर्व में आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों कर्व को जब आप देखेंगे ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। इसे हम कहते हैं क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रेट। अब इसमें क्या सवाल आया था, सवाल ये था, क्वेश्चन डीजे मेस का था, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सवाल ये था कि पंप इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्वेश्चन सुनिएगा, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विच इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम बताइए जो कि आपका हेड हेड और स्पीड में रिलेशन बताता हो, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन, देखिए कैसे पूछा रहा है स्ट्रेट लाइन। दूसरा पूछा रहा आपका पैराबोला, तीसरा बोला रहा क्यूबिक पैराबोला, और चौथा बोला रहा हाइपरबोला। ये आपका सवाल था कि हेड और स्पीड में विच कैरेक्टरिस्टिक कर्व डायग्राम शो करता है, कैसा शो करता है, मतलब कि हेड और स्पीड के बीच में जो कर्व बनता है वह कौन सा डायग्राम शो करता है। तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, पैराबोला फॉलो करता है, क्यूबिक पैराबोला फॉलो करता है कि हाइपरबोला फॉलो करता है, बताइए। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा कर्व फॉलो हो रहा है, इससे एक सवाल आपका सेकंड क्लास में पूछा गया था। बोले भाई अभी तक जवाब नहीं आया किसी का कि हेड और स्पीड में, हेड और स्पीड में कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वह कौन डायग्राम फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, हाइपरबोला। बनवारी लाल जी ने बोला है सेकंड ऑप्शन पैराबोला, चलिए। मजहर अली जी ने बोला है क्यूबिक, मजहर जी ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, एच कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये वाला हो रहा है। क्यूबिक किस कहते हैं, क्यूबिक आपका पावर के साथ जब पूछेगा तब आपका कहलाएगा क्यूबिक पैराबोला, जो कि इस साल के सवाल में आना फिक्स है। इस साल के सवाल में ये क्वेश्चन आएगा 101%, ये लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर उसने पूछा है हेड के बारे में, तो हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पैराबोला, ये देखिए ये लिखा हूं मैं पैराबोला, ठीक है। और जब पावर का रिलेशन पूछेगा इंफेलर के स्पीड से, तब आपका कहलाता है क्यूबिक पैराबोला, मैंने बोला था ना, ठीक है। तो बनवारी लाल जी का सब आंसर सही है, जो जवाब है वह गलत। क्लियर है, अभी आगे बढ़े इसमें। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझ में आया कि नहीं आया, इस बारे में मुझे बता दीजिए। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा आगे। ये आपका जो आज का सेशन है, इसमें से हर साल पूछा जाता है सवाल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो भी दिक्कत है पूछ लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इस साल ये सवाल आना है। पिछली बार हेड और इसके बीच में रिलेशन पूछा रहा, हेड और स्पीड ऑफ इंफेलर के बीच में रिलेशन पूछा रहा। इस बार मैक्सिमम चांस है कि आपके लिए पावर और स्पीड के बीच में रिलेशन पूछेगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए दैट इज क्यूबिक हाइपरबोला होगा। लेकिन अगर पावर, अच्छा अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी, अगर मैं इसी से बोलूं कि क्वांटिटी और स्पीड में क्या रिलेशन है, विच डायग्राम, सवाल पूछे विच डायग्राम, विच कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप शो द रिलेशन बिटवीन, देखिए क्वेश्चन एक मैं लिख ही देता हूं, विच कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम शो द इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सो द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड वाटर क्वांटिटी एंड स्पीड, या फिर मान लीजिए इंफेलर स्पीड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रेट लाइन, दूसरा है आपका पैराबोला, तीसरा है आपका क्यूबिक पैराबोला और चौथा है आपका हाइपरबोला। मजहर जी का कहना है सर हाइपरबोला कर्व में नहीं दिख रहा, हाइपरबोला क्योंकि बनाता ही नहीं है ना, जरूरी है क्या चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं शो हो। मजहर जी, मजहर जी एक बार बताइए, क्या ऐसा जरूरी है क्या कि जो हर चीज आपको शो हो डायग्राम में? हाइपरबोला कहीं बनाता ही नहीं है, हाइपरबोला जो होता है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, देखिए हाइपरबोला जो होता है ये इससे हाइपरबोला कहते हैं, ये हाइपरबोला। बनवारी लाल जी का सवाल आंसर आ गया है, बनवारी लाल जी आ गए, मजहर जी का अभी तक नहीं आया। मजहर जी सवाल समझ में आया, विच कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम शो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड इंपेलर स्पीड। हाइपरबोला आपका नहीं है, मजहर जी अभी तक आपका सवाल नहीं आया, बहुत बड़ा सवाल नहीं, अभी जस्ट पढ़ाया हुआ सवाल है कि मैंने क्या बोला है कि जब क्वांटिटी और स्पीड के बीच में, इंफेलर स्पीड के बीच में जब भी आपका होगा तो यह स्ट्रेट लाइन होगा, ये लिखा हुआ है। जब भी हेड और स्पीड के बीच में कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछेगा तो वह पैराबोला होगा, जो कि यहाँ पास है। जब भी पावर और इंफेलर के स्पीड में पूछेगा तो क्यूबिक पैराबोला होगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। चलिए मजा जी का सवाल का आंसर आ गया है, अब आते हैं। ये तो हो गया आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व विथ रिलेशन टू द स्पीड,
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, इसी के साथ इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाया जाता है जनरली एक आध बार, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, मेरे मेरा ये कहना है कि मैं आपको ब्रेक हॉर्स पावर समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, ब्रेक हॉर्स पावर BHP इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, L मल्टीप्लाई बाई H डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12 मल्टीप्लाई बाई E, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ मोटर, इसको लिख लीजिए, ये होता है ब्रेक हॉर्स BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। जब हॉर्स पावर की बात करेंगे, ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ, इसमें H क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, या फिर बोल दीजिए हॉर्स पावर ऑफ द मोटर, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें L क्या है, L बराबर होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर, कितना वह निकल रहा है, ठीक है। H क्या है, टोटल हेड, इसमें H बराबर है, लिख लीजिए टोटल हेड, किसी भी मोटर का मान लीजिए आपको हेड पता है, टोटल हेड, ये H है। E क्या है, पंप की एफिशिएंसी, E है एफिशिएंसी, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, बहुत जरूरी फॉर्मूला है एफिशिएंसी। अब मैं इसके बारे में, क्योंकि बस अब इसी को मैं डिफाइन करूंगा, पहले फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। और L है आपका, L बराबर क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड, ये आपका है टोटल, ठीक है। ब्रेक हॉर्स ऑफ पावर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एच बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12 मल्टीप्लाई बाई ई, ई इज द एफिशिएंसी, एच बराबर टोटल हेड। अगर आपके पास टोटल हेड है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए एफिशिएंसी नहीं दी हुई, एफिशिएंसी आपकी मान लीजिए 70% है, तो यहाँ पास क्या रहेगा, परसेंट ई में क्या रखा जाएगा, 0.7%, अगर 80% है तो 0.8, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया एफिशिएंसी, एच दिया हुआ है हेड, तो एल मान लीजिए उसमें बोलता है कि दो क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब आपका पानी वह डिलीवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हमको किस में लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट में, ये क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक मीटर को हमको किसमें निकालना है, लीटर पर मिनट, तो कितना हो जाएगा, 2000 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये आपका निकल गया हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर होता क्या है, चलिए, और ब्रेक हॉर्स पावर कहाँ काम में आएगा इसको मैं अब आपको समझाता हूँ, एक और खोल लेते हैं बगल में। देखिए मेरी क्लास में मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं थ्योरी पोर्शन तो मैं डाल देता हूं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी क्लास में न्यूमेरिकल, जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कल शायद तक, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ये किया करिए क्या, नोट्स से सारी वो दे दिए करिए, लेकिन मैं नोट्स में सिर्फ और सिर्फ ना इन चीज़ों को नहीं डालता हूँ, नोट्स में सिर्फ मैं थ्योरिटिकल पोर्शन को लिख के डाला हूँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फॉर्मूला है उसे मैंने नहीं डाला है, क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी करा दिया, बिल्कुल मजहर जी करवाया जाएगा, वो भी करवाया जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो अभी दे देता हूं मैं, लीजिए आपको करना है तो, फॉर्मूला चलिए आप, मैं एक क्वेश्चन अभी दे देता हूं, मजहर जी का है, लीजिए उसी उससे, अब वैसे तो लिखा होना चाहिए लेकिन लिख रहा हूँ, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखिए सवाल को सुनिएगा, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप
हैज बीन इंस्टॉल्ड। फॉर डिलीवरिंग, वैसे तो मैं इसका अलग से वो बना के रखा हूँ, लेकिन आप बोल रहे डिलीवरिंग 2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, टोटल हेड, टोटल हेड इज 200 मीटर्स। ठीक है, एफिशिएंसी इज 90%। देन कैलकुलेट द देन कैलकुलेट द एचपी ऑफ मोटर। बोलिए भाई, अब इसमें क्या बोल रहा है? एचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर ही। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि 2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर मिनट के अनुसार पानी को डिलीवर कर रहा है, जिसका टोटल हेड है 200 मीटर और एफिशिएंसी है 90%। तो आप कैलकुलेट करिए हॉर्स पावर ऑफ मोटर। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया हुआ है कि हॉर्स पावर ऑफ मोटर का फॉर्मूला क्या बताया है, बी एच पी या एच पी कुछ भी बोल लीजिए उसको। ठीक है, हॉर्स पावर ऑफ मोटर, मोटर का फॉर्मूला क्या बताया, एल मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया क्या? चलिए, इसको क्वेश्चन को यहाँ है, मैं ऊपर में ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन मतलब क्या क्या गिवन है प्रॉब्लम में? हेड एच बराबर कितना है, 200 मीटर है। एच बराबर कितना दिया हुआ है, 200 मीटर है। अब इसके बाद एल बराबर क्या हुआ है, एल बराबर क्या है, क्वांटिटी डिलीवरिंग, क्वांटिटी डिलीवरिंग कितना दिया हुआ है, 2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अब बताइए, ये आपका मीटर में है, ये क्यूबिक मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, तो हमें इसे क्या लाना पड़ेगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इसे लीटर पर मिनट में लाना है। फॉर्मूला में आपको रखने के लिए क्या करना है, लीटर पर मिनट में, तो 2 तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दीजिए। ठीक है, जब कर देंगे तो 2000 लीटर पर मिनट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब डायरेक्ट आपको क्या करना है कि एल मल्टीप्लाई बाई एच, तो कितना दिया हुआ है, 200 मल्टीप्लाई बाई 2000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12। और मैंने बोला था एफिशिएंसी कितना है, 90%, तो 90/100 मतलब कि 0.9, ये आ गया 0.9। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो हॉर्स पावर आएगा वह आएगा 97.312 हॉर्स पावर, ये आपका निकल गया 97। बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान ये देना है न्यूमेरिकल में कि जब मीटर क्यूब में रहे, क्यूबिक मीटर में, ठीक है, तो इसको आपको इसमें चेंज करना है लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका जो भी न्यूमेरिकल है वह सही चला जाएगा। चलिए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, इतना आपको मैंने बता दिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से लेते जो भी न्यूमेरिकल होगा आप ले आइएगा, ब्रेक हॉर्स पावर से लेकर बाकी, ब्रेक हॉर्स पावर क्या है और क्वांटिटी के लिए। अब मुझे सिर्फ एक चीज अभी आप लोगों को और बतानी है इसके रेस्पेक्ट में,
आपका सेंट्रिफ्यूगल पंप खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टरबाइन पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर किसी को कुछ डाउट है, मुझे एक चीज और पढ़ानी थी, बीएचपी, ठीक है, बीएचपी, बीएचपी के साथ साथ आपको मुझे, मैं को बतानी थी क्वांटिटी का रिलेशन, क्वांटिटी का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी, क्वांटिटी का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ब्रेक हॉर्स पावर। यही मैं आपको ब्रेक हॉर्स पावर समझाऊंगा, फॉर्मूला पहले बता दिया हूँ यूज करने के लिए, और क्वांटिटी का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू हेड। आज हम पढ़े हैं स्पीड का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू पावर, स्पीड का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू हेड, स्पीड का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर पढ़ा है। इसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर हमको इसको भी पढ़ना है, क्वांटिटी का रिलेशन। मतलब देखिए इसमें क्या था, स्पीड जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो पावर में क्या अंतर आएगा, हेड में क्या अंतर आएगा, क्वांटिटी में, किसका स्पीड, इंपेलर का स्पीड, इंपेलर का स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो पावर, हेड और क्वांटिटी में क्या अंतर आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे ब्रेक हॉर्स पावर के साथ क्वांटिटी का रिलेशन, मतलब कितना क्वांटिटी, कैसे कैसे आपका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी में क्या अंतर आएगा, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होगा, हेड में क्या अंतर आएगा, तो क्वांटिटी के बारे में हम इसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसी में मैं आपको ब्रेक हॉर्स, ब्रेक एचपी कर्व, एफिशिएंसी कर्व और इसके बारे में रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पर फिर हम आगे देखिए, अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ लिया तो टरबाइन पंप सेम है, जैसा सेंट्रीफ्यूगल पंप है सेम टरबाइन पंप है, बस उसमें नंबर ऑफ इंपेलर बढ़ जाता है। तो हर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला एन कर दीजिए, बस सारा फॉर्मूला सेम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सेम सवाल आपको आएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का जितना भी आपका पंप है उसको सेम को जब आप नंबर ऑफ इंपेलर उसमें बढ़ जाते हैं, जब आप नंबर ऑफ इंपेलर से, मजहर जी का कुछ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है मजहर जी, बोलिए। मजहर जी क्या बोल रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा है, 456720 आ रहा है, कैसे आ रहा भैया, मेरा नहीं आ रहा है, चलिए कैलकुलेटर्स का उपयोग कर लेते हैं। देखिए ऊपर का कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 4 लाख हो गया, ठीक है, 4 लाख। उसके बाद आप कर लीजिए 60 मल्टीप्लाई बाय 76.12 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। आप 4000 को डिवाइड, 4 लाख को डिवाइड कर दीजिए 4110 से, सॉरी 4110 से 97.312 सही आ रहा। मजहर जी आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो यही आंसर आ रहा है। देखिए 200 से आप मल्टीप्लाई गलत कर रहे होंगे, रुकिए, 200 से 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4 लाख, ठीक है। जब 4 लाख को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड इसको 60 मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई 76.12 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो आपका आ जाएगा 4110.48। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 लाख डिवाइडेड बाई 4110.48 तो आपका आ गया 97.3। मजा जी स्क्रीन में देखिए, मेरा तो आंसर इतना ही आ रहा है, मैंने तो पहले ही कर लिया था, आपका क्यों नहीं आ रहा है? कहीं आप डिवाइड करने में कुछ गलती कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, अब आज सेकेंड शिफ्ट है 12 बजे, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल इस क्लास को कंटिन्यू करके कंप्लीट कराया जाएगा और क्वेश्चन भी कल की क्लास में हम कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे आए हुए क्वेश्चन को। चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्लास 16